आर्टिकल नंबर 12.2 थर्मल इक्विलिब्रियम। समझेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम को इस पैराग्राफ में। चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं हम क्लास 11 का। ओके सो इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स मींस दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ सिस्टम आर जीरो। तो हमें पता है मैकेनिक्स में एक बॉडी है, उस पर टोटल जो फोर्सेस लग रहे हैं नेट फोर्स एक बॉडी पे और नेट टॉर्क एक बॉडी पे अगर जीरो है तब बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि एक बॉडी एक बॉक्स प्लेस है टेबल पे, तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम जीरो है, उसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, तो इसलिए वो बॉडी किस पे रेस्ट पे है। ओके उस वो इक्विलिब्रियम पे है। ओके द टर्म इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनामिक्स अपीयर्स इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। वी से द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट if the macroscopic variables that characterize the system do not change in time। ठीक है, तो thermodynamics में जो equilibrium होगा एक different context में use होगा। हम एक system state of a system को equilibrium state में तब कहेंगे जब भी उसके macroscopic variable जैसे कि temperature pressure ये change नहीं होंगे। ठीक है, time के साथ change नहीं होंगे तब हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे। ओके फॉर एग्जांपल अ गैस इनसाइड अ क्लोज रिजिड कंटेनर कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम इट सराउंडिंग्स विद फिक्स वैल्यूज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मास एंड कंपोजिशन दैट डू नॉट चेंज विद टाइम इज इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो एक गैस है जो क्लोज रिजिड, ठीक है, रिजिड देखो क्या होगा, ठोस है वो, ठीक है, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं हो सकती और इंसुलेटेड है वो सराउंडिंग से, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता सराउंडिंग से और जो गैस है इनसाइड द वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं गैस को हम थर्मोडायनामिक्स में। तो गैस सपोज यहाँ डायग्राम इतने पार्ट सपोज ये है, ये हमारा कंटेनर है रिजिड कंटेनर और एडियाबेटिक वॉल है, अभी समझेंगे एडियाबेटिक मतलब इंसुलेटेड वॉल है, ठीक है, इसमें से हीट ट्रेवल नहीं कर सकती इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। तो गैस जो है वर्किंग सब्सटेंस उसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडीज है, ठीक है, कंटेनर की वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता है इंसुलेटेड वॉल्स है, मास चेंज नहीं हो सकता, कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे कि जो स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इन दिस इज द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके नाउ इन जनरल वेदर और नॉट अ सिस्टम इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम depends on the surroundings and the nature of the wall that separate the system from the surrounding। तो कोई भी system equilibrium के state में है या नहीं है किस पर depend करता है, ये depend करता है surroundings पर depend करता है और साथ ही साथ ये wall पे, ठीक है, अभी अगर ये wall conducting बना देता है इसमें तो heat flow करना start कर देती, temperature change होना start कर देता, okay? तो इन दोनों इस बात पे डिपेंड करता है वॉल पे, वॉल का नेचर कैसा है जो सिस्टम को सराउंडिंग से, ये सिस्टम है हमारा, ओके, जो भी वर्किंग गैस होगी हमारी वर्किंग सब्सटेंस होगा और ये सराउंडिंग होगी जो 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 कंटेनर जो वॉल्स है बेसिकली उसको वो सराउंडिंग्स और सिस्टम को सेपरेट कर रहा है, तो इसके नेचर पे डिपेंड करता है और सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। ओके कंसिडर टू गैसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑक्यूपाइंग टू डिफरेंट कंटेनर्स। तो दो गैसेस देखो डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, तो दो डिफरेंट कंटेनर्स पे है ये गैस, एक कंटेनर ए है कंटेनर बी है, ये दोनों कंटेनर अलग अलग कंटेनर पे गैस, इसमें पहली गैस पहली में गैस ए फील्ड है गैस बी फील्ड है दूसरे में। ओके नाउ we know experimentally that pressure and volume of a given mass of a gas can be chosen to be its two independent variable। ठीक है, तो दो अलग अलग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है। ओके नाउ लेट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बी पी ए वी ए एंड पी बी वी बी। तो पहले जो गैस है इसका जो वॉल्यूम और प्रेशर है वो कितना है पी ए प्रेशर वी ए और वॉल्यूम वी ए, कोई वैल्यू है प्रेशर की और कोई वैल्यू है वॉल्यूम की। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले गैस की भी पी बी और वी बी प्रेशर और वॉल्यूम है। ठीक है नाउ
Suppose first that the two systems are put in proximity but are separated by an adiabatic wall. तो हमने पहले क्या किया, इन दोनों जो सिस्टम्स है इनको एक एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट कर दिया. एडियाबैटिक वॉल इंसुलेटिंग वॉल जिसमें से हीट फ्लो नहीं करेगी. ओके, तो एन इंसुलेटिंग वॉल दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है, द सिस्टम्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग ऑल्सो बाय सिमिलर एडियाबैटिक वॉल. और ये जो सिस्टम है दोनों, ये पूरा सिस्टम है, ये बीच में भी एडियाबैटिक वॉल हो गई और इनके चारों तरफ भी क्या है, एडियाबैटिक वॉल है, तो वहाँ पर भी हीट का फ्लो पॉसिबल नहीं है सराउंडिंग के साथ. ओके, द सिस्टम आर इंसुलेटेड फ्रॉम द, वो तो मैंने बताया आपको. द सिचुएशन इज शोन इन फिगर सिमेटिकली इन फिगर 12.1a. इन दिस केस इट इज फाउंड दैट एनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज पी ए वी ए विल बी इन इक्विलिब्रियम विद एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी बी वी बी. तो इस केस में कोई भी जो वैल्यू है प्रेशर की फॉर ए एंड प्रेशर वॉल्यूम की भी, वो इक्विलिब्रियम में है वॉल्यूम और प्रेशर की भी बी के साथ, क्योंकि उसमें ना प्रेशर में कोई चेंज आएगा इसमें पहले गैस के, ना वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा. सिमिलरली दूसरे के केस में भी ऐसा ही हो. नेक्स्ट, सपोज दैट द एडियाबैटिक वॉल इज रिप्लेस बाय अ डायथर्मिक वॉल, अ कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउज एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर. अब हम क्या करते हैं, तो ये जो इनके बीच में जो वॉल थी, जो हमने एडियाबैटिक वॉल ली थी, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे डायथर्मिक वॉल से और कंडक्टिंग वॉल से बेसिकली, तो हीट फ्लो अब पॉसिबल है. ठीक है, तो हीट फ्लो पॉसिबल है, तो देखते क्या होगा. इट इज देन फाउंड दैट द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल और बोथ द सिस्टम ए एंड बी चेंज स्पॉन्टेनियसली अंटिल बोथ द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट. तो अब हम क्या देखते हैं, जैसे हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक आइसोथर्मल डायथर्मिक वॉल से, ठीक है, तो मतलब कंडक्टिंग वॉल से तो अब हीट फ्लो करना स्टार्ट होगा और प्रेशर और वॉल्यूम अब चेंज होना स्टार्ट कर देगा ए वाले का और बी वाले का. ठीक है, तो इसके बाद लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम एक प्रेशर की एक नई वैल्यू अटेन कर लेगा, प्रेशर गैस से भी एक प्रेशर की नई वैल्यू अटेन कर लेगा, नया वॉल्यूम अटेन कर लेगा. ये मूवेबल है हमने ऐसा माना था उसको. और बी भी क्या कर लेगा, प्रेशर और वॉल्यूम के नए एक नई वैल्यू अटेन कर लेगा और फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो अगेन वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. ठीक है, तो आफ्टर दैट देयर इज नो चेंज इन द स्टेट. ठीक है, तो मैंने अब ये बताया यहाँ पर. यस, इट इज देन फाउंड दैट द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम्स ए एंड बी चेंज स्पॉन्टेनियसली अंटिल बोथ द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट. तो उनमें जो उनके ए और बी के जो वेरिएबल्स है प्रेशर वॉल्यूम है, ये चेंज होंगे. ठीक है, स्पॉन्टेनियसली चेंज होंगे, अपने आप चेंज होना स्टार्ट कर देंगे और एक 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 पर्टिकुलर वैल्यू अटेन कर लेंगे और उसके बाद उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में. ठीक है, द प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरिएबल्स ऑफ द टू गैसेस चेंज टू पी वी डैश वी वी डैश एंड पी ए डैश वी ए डैश सच दैट द न्यू स्टेट्स ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. अब फिर से ये दोनों स्टेट क्या हो गए, ये दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ गए, क्योंकि अब फर्दर चेंज नहीं हो रहा है इनकेस थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में. देर इज नो मोर एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर विद एन से दैट द सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी. तो हम बोल सकते हैं जो ए है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम. तो पहले केस में तो पहले ही वो थर्मल इक्विलिब्रियम में था, दूसरे केस में कुछ टाइम लगा और जब फाइनली जब उन्होंने एक नई प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू अटेन कर ली, उसके बाद कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे तो अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं ए और बी. व्हाट कैरेक्टराइजेस द सिचुएशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम, यू कैन गैस द आंसर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन कैरेक्टराइज करेगी कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो कब है ये, इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द टू सिस्टम्स आर इक्वल. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा,
तो टेम्परेचर होगा दो सिस्टम का वो सेम होगा, ठीक है। अगर दो सिस्टम जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, जब क्या हो गया, टेम्परेचर में डिफरेंस आया था यहाँ पर, थर्मल जब डाईथर्मिक वॉल लगाई थी, टेम्परेचर में डिफरेंस था, तभी तो वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर अटेन हो गया, पूरे पूरे सिस्टम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन हो गया, सेम टेम्परेचर अटेन हो गया, तो जैसे यहाँ पहले 40 था सपोज, और यहाँ 30 था सपोज, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और जब टेम्परेचर में चेंज हो गया अटेन, सपोज ये 35 दोनों ने अटेन कर लिया अल्टीमेटली, तब टेम्परेचर सेम हो गया, और अब इसमें कोई भी जो वेरिएबल्स है थर्मल यानी वेरिएबल अब चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि टेम्परेचर सेम हो गया, तो टेम्परेचर सेम होना ही कैरेक्टरिस्टिक है थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम की, और यहीं से हम टेम्परेचर को भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो वही है, उसके लिए ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसको आगे पढ़ते हैं, ओके। वी शैल सी हाउ डज वन अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन थर्मोडाइनमिक्स, द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोवाइड द क्ल्यू।